अर्चना जी, स्वाभाविक रूप से कोशिश तो सबकी रहती है कि एक प्रॉपर नींद ली जाए, लेकिन सबके साथ प्रॉब्लम यही है कि कोशिशें बड़ी करते हैं हम, लेकिन आती नहीं है नींदें। तो ये इसका क्या कोई खास राज है, क्या ये सिर्फ एक मानसिक स्टेट है हमारी, या इसका हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डाइट, हमारी सोच, हमारे कामकाज के तरीके, इनसे भी कोई संबंध है? जी, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। देखा जाए तो स्लीप डिसऑर्डर्स के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अब जैसे इनसोम्निया भी दो तरीके का होता है, नींद नहीं आ रही है तो उसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक है शॉर्ट टर्म और एक होती है लॉन्ग टर्म। और उसके अलावा भी एक होता है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है नींद आने की, कि नींद आ नहीं रही है, और कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि नींद कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, वो बीच बीच में उठते हैं। सो हमारे लाइफस्टाइल के जो इश्यूज हैं दे मेजरली कॉन्ट्रीब्यूट टू इट। मोस्ट ऑफ अस डू नॉट फॉलो अ पर्टिकुलर और अ प्रॉपर स्लीप हाइजीन पैटर्न। तो बेसिकली लाइफस्टाइल चेंजेस में अगर हम चेंजेस लेकर आए तो काफी हद तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। और इफ इट इज अ एक्चुअल डिसऑर्डर देन थिंग्स आर डिफरेंट, देन यू हैव टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल और अ डॉक्टर टू सीक मेडिकेशन और अदर एडवाइस। बट यूजली इफ वी एक्चुअली फॉलो अ गुड लाइफ स्टाइल, गुड ईटिंग हैबिट्स, थिंग्स कैन बी रिजॉल्व एंड अ बैलेंस कैन बी स्ट्रिकन। सो दिस इज बिल्कुल हाउ इट वर्क्स। बिल्कुल। और जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि आजकल वो महामारी बन गई हैं, फिर वो चाहे वो डायबिटीज़ हो, फिर चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, अगर आप देखेंगे तो सबकी जड़ें जुड़ी हुई हैं एक गहरी और शानदार अच्छी नींद से। अगर आपके पास अच्छी नींद नहीं है तो इन बीमारियों की चपेट में आना बहुत आसान हो जाता है, और यही आजकल हो भी रहा है।